नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन। मैं हूं आप सभी के साथ पूजा खविया। किस्मत कनेक्शन में आज हम बात करेंगे आपके शादी के योग की, सात फेरों के महत्व की। जी हाँ, आपको बता दें कि किस्मत कनेक्शन में आज खास बातों पर चर्चा रहेगी। आपकी शादी को लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई दोष तो नहीं है, इन सब चीजों को लेकर हम खास चर्चा करेंगे। और इसीलिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान आ चुके हैं। जी हाँ, हमारे साथ पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी गोल्ड मेडलिस्ट आए हैं। पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, जो हमें बताएंगे और आपको बताएंगे कि अगर कोई भी मांगलिक दोष है या कोई भी दिक्कतें, कोई भी अड़चने आपकी शादी को लेकर आ रही है, तो कुछ छोटे उपाय, कुछ टिप्स आपको देंगे, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि आप अपनी शादी को कैसे करवा सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप भी पंडित जी से सीधा संपर्क करके उनसे सवाल पूछ सकते हैं, या जो भी आपकी समस्या है, आपकी पारिवारिक जीवन में कोई कलेश है, कोई भी समस्या आ रही है, तो उसको लेकर आप यहाँ पर सवाल जरूर पूछ सकते हैं। लेकिन पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी, आज हम सात फेरों के महत्व के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू रीति रिवाज में सात फेरों को काफी अहमियत दी गई है। तो आपसे ही हम आज हम जानना चाहेंगे कि इनके महत्व क्या है। त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेवन्दनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। कवि जी, सात फेरों का महत्व होता है धर्म, काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का मतलब होता है कि जब लड़की पहला फेरा होता है, लड़की आगे होती है जी। वो ये कहती है कि मेरा आपसे आज धर्म जुड़ गया, मैं धर्म से, मेरे को किसी प्रकार की आप दिक्कत न समझे, दान लेने में, देने में, पैसा इधर उधर करने में, ये मेरा आपके साथ धर्म जुड़ चुका है, ये पहला फेरा। ठीक है, पहले फेरे के बाद हम आगे भी जाएंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ सुनीता जुड़ी है, पहले उनसे सवाल पूछ लेते हैं। सुनीता जी नमस्कार, बताइए क्या समस्या है आपकी। मेरी ये समस्या है जी, मेरी शादी तो हो रही है, मेरा आदमी मेरी इज्जत नहीं करता जी, सारा दिन लड़ाई झगड़ा करता रहता है जी। सुनीता जी, नाम क्या आदमी का? आदमी का नाम विजेंद्र है जी। जितेंद्र, विजेंद्र, विजेंद्र, विजेंद्र। ओ, इनकी राशि मिलती ही नहीं। विजेंद्र है जी, विजेंद्र। वृष और कुंभ राशि का मेल नहीं होता, इसलिए सुनीता जी आप 11 सोमवार व्रत रखें और एक उनको ऊपर को वार के एक रोटी काला कुत्ते को दे शनिवार को। चलिए, तो जो आपको कहा गया है उसको आप जरूर मानिएगा। अगली कॉलर हवा सिंह है हमारे साथ। हवा सिंह जी नमस्कार, डेट ऑफ बर्थ बताइए, क्या समस्या आ रही है वो भी बताइए। मैडम नमस्ते। मैडम जी, शादी में रुकावट हो रही है, शादी नहीं हो रही। डेट ऑफ बर्थ, हेलो, डेट ऑफ बर्थ बताइए हवा सिंह जी। 10/11/92 है मैडम। 10/11/92 जी। चलिए आपको बताते हैं कब तक इनका योग बन पाएगा। आपकी शादी का योग चल रहा है, 25 में शादी हो जाएगी। तो चलिए कुछ ही समय का इंतजार हवा सिंह जी, उसके बाद शादी के योग बन रहे हैं। लेकिन जो आपके योग बन रहे हैं उसके लिए मेहनत भी आप करते रहिएगा। पूनम है हमारे साथ कॉलर अगली। पूनम जी नमस्कार। हाँ जी मैम, बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या है। हाँ जी, 28/11/1990। क्या है सवाल? शादी के लिए जानना कि कब होगी, शादी कब होगी आपकी। पंडित डेट ऑफ बर्थ क्या पूनम आपका? हाँ जी, 28/11/1990। टाइम? 6:30 सुबह के। पूनम जी, 11 बृहस्पति व्रत रखे, एक सीध नामी का उंगले में बृहस्पति का जो है पुखराट डाले, 7:15 रहतेगा, जल्दी शादी हो जाएगी। तो शादी के योग बन रहे हैं, बस जो आपको कहा गया है उनको जरूर मानिएगा, उसके बाद देखिए जल्दी आपकी शादी हो पाएगी। क्योंकि शादी को लेकर अक्सर बहुत से सवाल होते हैं हमारे और आपके जिंदगी में, हमारे बड़े बुजुर्गों को भी शादी की चिंताएं लगी रहती हैं। अगर आपके भी मन में कोई ऐसी चिंता है, आप भी परेशान हो रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की शादियों के लिए, उनके योग नहीं बन रहे हैं, तो आप इस कार्यक्रम में जरूर जुड़े। अगली कॉलर हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से निशा जुड़ी है। निशा जी नमस्कार, क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ और सवाल क्या है बताइए। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ये है कि मेरा नाम निशा है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 मार्च 1990 है, सॉरी 1988, और जन्म समय मेरे दिन के 3 बजे। मैडम मुझे शादी के लिए पूछना है एग्जैक्ट कब तक हो जाएगी, 2016 में या 17 में? काफी परेशानी आ रही है, काफी रुकावटें आ रही है, क्या दिक्कत है पंडित जी, प्लीज उपाय बताइए। बेटे ये पूरा डेट ऑफ बर्थ बताना दोबारा। निशा
88 इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताया था। 88। हाँ जी, ये जो है निशा आपका योग चल रहे हैं, ये क्या नाम है, शनि और राहु, इनका उपाय करें आप। तो शनि और राहु के उपाय करने की आपको जरूरत है, उसके बाद देखिए जो आपको दिक्कतें आ रही हैं वो विघ्न जल्दी ही दूर हो जाएगा, लेकिन जो आपको उपाय कहा गया है उसको आप जरूर मानिएगा। जो दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें बताइए, हमें अपना टाइम बताइए, और उसके बाद जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछिए। सपना है झज्जर से कॉलर, सपना जी नमस्कार, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। सपना जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया इनसे लगता है, संपर्क नहीं हो पाया, फिर से कोशिश कीजिएगा। तो ओम प्रकाश शास्त्री जी से आज हम यही जान रहे हैं कि कैसे अगर शादियों में आपके कोई मांगलिक दोष है, शादी का डर आपको सता रहा है कि होगी नहीं होगी, कैसे होगी कब होगी, ये कार्यक्रम आप ही सभी लोगों के लिए है। अगली कॉलर सुनीता है हमारे साथ, सुनीता जी नमस्कार बताइए। सुनीता जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं ये पूछ रही हूँ जी, मेरी मेरी समस्या ये है जी, मेरे आदमी मेरी इज्जत नहीं करते जी। हाँ जी, क्या क्या नाम है उनका? बजेंद्र है जी, ये पुरानी वाली कॉलर जो वही है। सुनीता जी, मैंने आपको पहले भी बोला था, आपकी राशि कुंभ है, इनकी राशि वृष है, आप जो है 11 बृहस्पति व्रत रखें या 11 बृहस्पति को मंदिर जाएं और 5.25 या 7.25 रत्ती का पुखराज अनामिका सीधी उंगली में डालें। जो आपको कहा गया है आप सुनीता जी उसको मानिए और उसको फॉलो कीजिए, उसके बाद देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आता है। तो आप कॉलर्स जो इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, कुछ बातों का ध्यान रखिए, टीवी की आवाज को कम करके रखिए, और जब भी आप जुड़े तो आवाज थोड़ी सी आप खुद तेज बोलिए ताकि हम आपके सवाल को समझ पाए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। रितु है हमारे साथ, रितु जी आपका क्या सवाल है और डेट ऑफ बर्थ क्या है बताइए। रितु टेलीविजन की आवाज को कम कीजिए, रितु आपसे संपर्क नहीं हो पाएगा, वही गलती आप दोहरा रहे हैं, संपर्क नहीं हो पाता है, आप लोगों की समस्या को हम नहीं समझ पाते हैं। कार्यक्रम में आप लोग जुड़ रहे हैं तो कृपया टेलीविजन की आवाज को मत सुनिए, उसको कम करके फिर हमारे साथ जुड़िए, फोन के द्वारा जो आपको पूछना है, जो आपको आंसर मिल रहा है उसको सुनिए। तो बात हम सात फेरों की भी कर रहे हैं कि उसका क्या महत्व है और वो कितना जरूरी है, हर फेरे का क्या महत्व है, दूसरे फेरे की अगर पंडित जी बात करें, दूसरा फेरा का अर्थ है, अर्थ का मतलब होता है दूसरा फेरा, लड़की आगे होती है इसमें भी अर्थ, दोनों चार चार जो है चार फेरों में लड़की आगे होती है, तीन फेरों में पुरुष आगे होता है, सातवां फेरा जो होता है वैदिक विधि विधान से अग्नि का होता है वो, ये अर्थ। दूसरा काम, काम का मतलब होता है, ये तीसरा फेरा होता है काम वाला, स्त्री भी इसके आगे रहती है तीसरे में भी, और वो ये पूछती है कि हे मेरे प्रभु मेरे मालिक, पति और पत्नी का एक एक प्रभाव ये होता है कि वो अपना धर्म मान के उसके साथ फेरा करती है, और उसको ये कहती है किसको, पुरुष को, कि मैं 10 औरतों में खड़ी रहूं या 10 आदमियों में खड़ी रहूं, आप मेरे को कुछ नहीं बोलेंगे, मेरी इज्जत करेंगे बेइज्जती नहीं करेंगे। चलिए, तो ये इज्जत और इसका फेरा हमने आपको बताया। अमित है हमारे साथ अगले कॉलर, अमित जी नमस्कार, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। मैम 10/8/1991 आपका क्या सवाल है शादी को लेकर? शादी करनी है, अभी हो नहीं रही है। ठीक है, आपको शादी करनी है, अभी आपके शादी के योग नहीं बन रहे हैं। पंडित जी इनके योग कब बनेंगे? 25वें साल में शादी होगी। तो चलिए शादी के लिए थोड़ा ही आपको इंतजार करना है, 25वें साल में आपके योग बन रहे हैं और उस दौरान आपकी शादी हो सकती है। तो जो कॉलर जुड़ रहे हैं टीवी की आवाज को कम करके रखिए, उसके बाद शादी को लेकर जो भी सवाल है, क्योंकि शादी ब्याह एक ऐसा मसला है जो हर घर में होता है, अक्सर हम देखते हैं कई परेशानियां इसको लेकर आती हैं। तो अगर आपको भी कोई इस तरह की परेशानी आ रही है, आपके घर में भी अगर ये चिंता का विषय बना हुआ है, आपके माता पिता भी इसको लेकर चिंतित रहते हैं, तो ये कार्यक्रम खास आप सभी के लिए है।
पंडित जी आगे बात करते हैं, तीन फिरों के महत्व आपने बताए, आगे उसके बाद मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है कि ये मतलब मोक्ष का चौथा फेरा होता है, एक बीच में रह गया वो इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, राजेश हैं हमारे साथ। बगैर बगैर स्त्री के शादी के, बगैर पुरुष के स्त्री का या पुरुष का मोक्ष नहीं होता। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ तक हमने आपको बताया। आगे हमारे साथ राजेश पानीपत से जुड़े हैं। राजेश जी नमस्कार, बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 10 जुलाई 1995 मैम। लड़के के बारे में पूछना है, जॉब के बारे में। चलिए नौकरी के बारे में पूछना चाहते हैं। हाँ जी, 27 जुलाई 1995 डेट ऑफ बर्थ। 27 जुलाई 1995। जल्दी जॉब लगेगी इसकी जो है, एक इसको पुखराट डाल दे अनामिका उंगली में 5.25 रत्ती का। तो चलिए जो आपको कहा गया है उसको मानिए और उसके बाद देखिए नौकरी के भी योग बन रहे हैं, मेहनत जारी रखिएगा क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। अगले कॉलर गुड़गांव से हमारे साथ निशा है। निशा जी बताइए क्या है आपका सवाल, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मैम मेरी शादी कब तक होगी? निशा, शादी तो होगी लेकिन आप ये बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 28 नवंबर 1990। ठीक, 25वें साल में शादी होगी आपकी, मतलब बहुत तकड़ा योग चल रहा है, जल्दी लड्डू खाएंगे। तो चलिए काफी जल्दी आपकी शादी के योग नजर आ रहे हैं, मुबारकबाद इसके लिए आपको, ताकि आपकी जो शादी है वो आगे ऐसे ही मंगलमय रहे, खुशनुमा आपकी जिंदगी रहे। बाकी के जो कॉलर्स हैं जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में, जो भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको शादी को लेकर सवाल है या फिर किसी और समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। पंडित जी आगे बढ़ते हैं, आगे के फेरों की बात करते हैं। चौथा फेरा कव्या रह गया, क्या नाम है वो, काम के अंदर स्त्री हमेशा 16% पुरुष से ज्यादा होती है। उसके अंदर क्या होता है कि आप कोई भी काम है, हे परम पिता परमेश्वर मेरी इच्छाएं को पूरी करें और मेरे को मतलब सुख समृद्धि से रखें, ये चौथा फेरा कव्या। तो चार फेरों की हमने बात कर ली है, आज हम आपको सात फेरों के महत्व के बारे में बताएंगे। बहुत जरूरी है आपको इन फेरों के महत्व के बारे में जानना। एक ब्रेक पर हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपके सवालों के बारे में भी जानेंगे और साथ ही इसके महत्व के बारे में भी बताएंगे। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छू मंतर, न जादू न टोना है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्यों में आयुर्वेद का कमाल देखना, ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। वो कौन है, वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देसी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देसी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं।
पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमडीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पिछले साल असी 10-12 किले नरमा लगाया सी। बिलीव ते चटान स्प्रेयां मिला के वरतियां, बहुत वधिया रिजल्ट रहा। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी आपके नरमे की फसल से सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का समूल नाश करके आपकी फसलों को देती है संपूर्ण सुरक्षा। एमडी बायोकोल्स की बिलीव व चट्टान की शानदार जोड़ी। अरे भाई कौन सो रही हो, के कर रहे हो? हम वन विभाग के कर्मचारी हैं और यहाँ खेतों में पौधे लगा रहे हैं। पर यहाँ तो मेरा चाचा राम सिंह की जमीन है, तुम इसमें पौधे किस तरह लगवा रहे हो? राम सिंह की परमिशन से पौधे लगाए जा रहे हैं। पर क्यों भाई? ये वन विभाग की एक योजना है जिसमें राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर लगते किसानों के खेतों में मुफ्त पौधे लगाए जाते हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो रोड के साथ लगते खेतों में हरियाली होती है जिससे प्रदूषण कम होता है, दूसरा किसानों को लाखों की आमदनी होती है। लाखों की? वाह किस तरह भाई। ये जो पौधे लगाए जाते हैं इसकी 3 साल तक देखरेख वन विभाग के कर्मचारी करेंगे, इसके बाद ये पौधे किसान को सौंप दिए जाएंगे और किसान इससे अच्छी आमदनी ले सकता है। वन विभाग इसमें कुछ नहीं लेगा? वन विभाग इसमें कुछ नहीं लेगा, सारी आमदनी किसान की होगी। भाई या तो वाह बात होगी, हींग लगे न फिटकड़ी और रंग चोखा आए। राष्ट्रीय या राज्य मार्गों के नजदीक लगते खेतों में यदि कोई किसान पौधे लगवाना चाहता है तो अपने जिले के वन मंडल अधिकारी से संपर्क करें। हरियाणा के आज के इस एपिसोड में आपकी मुलाकात हरियाणा गवर्नमेंट के सीनियर आर्चरी कोच जेजी बैनर्जी से। आर्चरी एक बहुत पुराना गेम तो है ही, साथ ही इसके ऐतिहासिक मायने भी बहुत खास हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। गुड नाम यार, मेरी पनीरी लग गई है, तू सल्फर खाद केड़ी पौने? हां वे कोसावेट फर्टिस सल्फर खाद। आ चंगी है? बहुत चंगी है, मैं आप अजमाई है। पर तू तो दूजी बारती सी ना यार, गल बनी नहीं। जे गल बनानी है ता इस बारी कोसावेट फर्टिस सल्फर खाद पाके वेख, पर नकली माल तो बच के। असली फर्टिस दी पहचान री पत्ती दा निशान जरूर देख ले, सिर्फ कोसावेट फर्टिस ही 90% असली सल्फर खाद है। हरियाणा की देसी नस्ल की साहिबाल और हरियाणा नस्ल की गायों का शुद्ध दूध बीटा ए टू मिल्क अपनाएं और बीमारियों से दूर रहने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। बीटा ए टू मिल्क है अपनी देसी गाय का बूंद बूंद गुणकारी, इसकी गजब का जायका। वीटा ए टू मिल्क अब वीटा के सभी बूथों पर उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए आप विभाग की वेबसाइट www.vitaindia.org.in से फॉर्म डाउनलोड करके और उसे भरकर vitaindia@gmail.com पर ईमेल कर रजिस्टर करवाएं, या इसके लिए आप 0172-256-0194 पर संपर्क करें। खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में आपकी मुलाकात हरियाणा गवर्नमेंट के सीनियर आर्चरी कोच जेजी बैनर्जी से। आर्चरी एक बहुत पुराना गेम तो है ही, साथ ही इसके ऐतिहासिक मायने भी बहुत खास हैं। स्प्लैश वाटर वर्ल्ड सतपुरा चौक नियर पावर हाउस रोहतक। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे।
एपिसोड में आपकी मुलाकात हरियाणा गवर्नमेंट के सीनियर आर्चरी कोच जेजी बैनर्जी से। आर्चरी एक बहुत पुराना गेम तो है ही, साथ ही इसके ऐतिहासिक मायने भी बहुत खास हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम जान रहे हैं सात फेरों के महत्व के बारे में, और अगर कोई मांगलिक दोष आपकी कुंडली में है, शादी को लेकर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो ये कार्यक्रम आप सभी लोगों के लिए है। चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं और पंडित जी जो आपको उपाय बताएंगे, जो आपको सलाह देंगे, बस उसको मानने की जरूरत है। पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी, हम बात कर रहे हैं फेरों के महत्व की, आगे बढ़ते हैं, आगे जो पांचवा फेरा है उसका महत्व क्या है? पांचवा फेरा का मतलब लड़का लड़की से आगे होता है। चार फेरों में लड़की आगे होती है, पांचवा फेरे में लड़का आगे होता है। धर्म को मानते हुए दोनों को, मतलब चार लड़की के हुए, तीन लड़के के, पांचवा जो फेरा होता है वो प्रभु के विधि विधान से होता है, और जो सातवां फेरा होता है वो एक वैदिक मंत्रोच्चारण, ब्राह्मण लोग, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष के जानने वाले पंडित जी वो वैदिक भी हिसाब से फेरा, अग्निकुंड का फेरा करते हैं, वो साथ होता है। संदीप है हिसार से हमारे साथ एक कॉलर। संदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? शादी के बारे में पूछना है मैडम। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए। डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं मैडम। नाम बताइए। संदीप नाम है। शादी के बारे में पूछना है भाई। शादी का संदीप योग चले, कुंभ राशि वाले तो बल्ले बल्ले है आजकल। चलिए संदीप, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े हैं। दरअसल अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और समय बताएंगे तो और बेहतर हम आपको बता पाएंगे कि कब शादी का योग आपका बन रहा है, क्या करना चाहिए आपको उसके लिए, किन चीजों से बचना चाहिए, वो तमाम जो टिप्स है वो भी हम आपको इस कार्यक्रम में देंगे। तो कार्यक्रम में आप लोग जुड़ सकते हैं, समय काफी कम रह चुका है और आप इस दौरान जुड़िए ताकि हम आपको आपके आने वाले भविष्य और आपके आने वाली शादी की मंगल कामना के बारे में जरूर बता सके। पंडित जी आगे बढ़ते हैं, बाकी के फेरों की बात कर लेते हैं। सात फेरे, चार फेरे लड़की आगे, तीन फेरे लड़का आगे, जो सातवा मेन फेरा होता है मैं बता चुका हूँ, वैदिक हिसाब से होता है मंत्र उच्चारण के साथ। चार फेरों में लड़की आगे, तीन में लड़का, सात फेरों का महत्व। ठीक, चलिए सात फेरों के महत्व के बारे में हमने जान लिया है। अनु हमारे साथ इस दौरान है। अनु नमस्कार, बताइए। नमस्कार मैम। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8/10/79। हेलो, क्या पूछना चाहती है अनु जी आप? 8/10/79। क्या सवाल क्या है आपका? मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है और उनका नाम मंजीत है, उनकी शादी के बारे में पूछना कब तक होगी। और अनु, ये जो आपका भाई है अजीत, मंजीत भाई है, हाँ जी हाँ, इसका योग चल रहा है लेकिन बनते बनते काम बिगड़ते हैं। आप जो है 5 बृहस्पति को अपने गुरुद्वारे में 10 किलो का सीताफल चढ़ाएं, 3 बृहस्पति आज ही चढ़ा दे, एक तो जल्दी शादी हो जाएगी। चलिए आपको बता दिया हमने आपका क्या उपाय है, आप सबको उन उपायों को ध्यान रखना है ताकि जो आपकी जिंदगी में परेशानियां आ रही है वो ना सके। पंडित ओम प्रकाश शास्त्री जी, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे दर्शकों की समस्या का समाधान किया। आप जो कॉलर हमारे साथ जुड़े थे आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल किस्मत कनेक्शन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।